तरीका है बड़ा से बात करने का। चल गाड़ी में चुपचाप चल। अरे चल, देख कर रहा है टुकुर टुकुर, चल। कहाँ बोला डॉक्टर बेटा? थोड़ा कसरत करने बोला बाबूजी। एक्सरे नहीं करवाए? नहीं ना हो पाया आज, वो अस्पताल में बिजली चला गया, सब मशीन बंद। अरे बहुत बुरा हाल हुआ भाई, भला हो बेचारे वीडियो का। वीडियो? वीडियो कुछ बोला का? अरे नहीं, वो हमको और दादी को अपना घर ले गए थे। वही तो बैठे थे हम लोग। वो वीडियो के घर कहाँ चली गई आप? हाँ अम्मा, वही बात हम पूछे थे, दीदी वीडियो के सामने थप्पड़ मार दी। ज्यादा बोला ना तो फिर मारेंगे। कहाँ जरूरत था हमको छोड़ के वहाँ घाट टोला जाने का, खीर बट रहा था वहाँ। बाबूजी इसको समझा लीजिए, ये को जरा परवाह नहीं, दादी को छोड़ के चला गया हूँ आपके नाम का नारा लगाने। ये बात एकदम सही कह रही है स्वीटी दीदी, ये डायमंड बाबू ना हाथ से निकल रहे। मदरिना जरा समझाइए अपना बेटा को, दादी को अकेला छोड़कर वो आने का क्या जरूरत था? ए, तुम चुप रहोगी? बहुत जबान चल रहा है तुम्हारा, हाँ? पूरा दिन दादी को छोड़ के तुम घाट तोला में थे। अरे हमको बता देते तो कम से कम हम ना चले जाते वहां पर। सीखो देखो, इको बोलते हैं अपना फैमिली की तरफ इमोशन। घर में सबको रिश्ता नाता से ज्यादा प्यार राजनीति से। चलिए जो हो गया सो हो गया, पर छोटा साले साहब अगला बार से ध्यान रखिएगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी आपका था, आप ही से गलती हुआ। देखिए सासू जी, अब देवर जी उन्नीम किया के लिए अपना छोटा भाई बेहाथ उठा लिए। ए बड़की दुल्हन, इका जहर भर रही हो है? जाओ जाओ सब अपने कमरे में। ये सब छोड़िए, वो बताइए ना कि बीड़े बाबू के हुआ कैसा रहा, वो अच्छे से खातिर किया आप लोग का कि नहीं? अगर नहीं किए तो हमको बता दीजिए, अभी फोन करके सुनाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत खातिरदारी किया हम लोगों का, और उसका वो मौसी बेचारी बहुत अच्छी है। वो अलीना, वो आपको परेशान तो नहीं की ना? अरे वो बेचारी तो खुद ही बीमार थी। क्या मतलब? उसका तबीयत ठीक नहीं ना है, इसलिए तो अस्पताल गए थे वो दोनों। अरे तो हमको बताएगा ही नहीं? के बताएगा तुमको? क्या हुआ है, बुखार है, खांसी है, कोई घबराने का बात तो नहीं है ना? एक और टेस्ट होना है, मगर बिजली चला गया। हम आते हैं। अरे ये लड़की को अचानक क्या हो गया भाई? तुमको भी जाना है क्या साथ में? नहीं। अरे ये सब में तो हम भूल ही गए कि आज तुम बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा से सारे मामले को संभाले हो घाट टोला में। तुम रही रहते ना तो हमारा तो नाके कट जाता। आप आ जाते। वो सब तो ठीक है बाबूजी, नाहर सिंह का ना कुछ करना होगा। अब की बार ही कोई टांग अड़ा है ना तो इका टांग जो है। साले साहब, जब अच्छा समय चल रहा हो ना तो कुछ करना नहीं होता, सब हो जाता है, सब अच्छा होगा, कह रहे ना हम। डायमंड बेटा, क्या बात है, ऐसे खड़े रहोगे? जाओ जाओ अच्छे से मुंह हाथ धो लो, ठीक है ना? हैं? और आगे से इस बात का ध्यान रखो। जा जा, कोई बात। दीदी वीडियो के सामने और भैया ये निमकिया के सामने ना थप्पड़ मार के ठीक नहीं किया हम। अभी दोनों लोग ना पक्का हमारे निशाने में रहेंगे।
भाई निमकी। ये अभी मनु बाबू का नंबर लग ही नहीं रहा है, मासी को फोन करते हैं। हेलो। हेलो मासी। निमकी कैसे हो तुम? तुम्हारी बढ़िया सास आई थी आज। और तुम्हारी ननद भी? एक्सक्यूज मी मासी जी, हमको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले ये बताइए हमको कि अलीना कैसी है, हमरा बात तो कराइए उससे। अरे वो तो कहाँ है वो? अलीना का तबियत खराब हो गया और आप हमको हमको बताई तक नहीं। अरे कोई बात हुआ का? मासी जी सब आपका षड्यंत्र है, हम सब जानते हैं। आप चाहती है ना कि अलीना हमसे दूर चली जाए और आप अभिमन्यु बाबू का शादी कहीं और कर दे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हमरे होते हुए ये सब नहीं होगा। अलीना भी हमरी है और अभिमन्यु बाबू भी हमरे हैं। अरे चुप कर, आप पहले हमरा बात कराइए ना अलीना से। अरे वो तो सो रही है, अभी अभी आंख लगा है उसका। तुम चिंता मत करो, दवाई खा के थोड़ा आराम है। पक्का? पक्का। अगर आप झूठ बोल रही है ना तो आप मर जाएंगी। खैर छोड़िए, हम फिर भी आते हैं। हेलो हेलो, ये लड़की ना आके जगा दी गई अलीना को। का पता निमकी को देख के अलीना ठीक हो जाए। घूर सब गुर्गों पर कर दिया। अरे का जरूरत था वो औरत को वहां रुकने का? सब देख लिया ना? कोई नहीं देखा मालिक, वो राम बचन का बेटी महुआ। अरे एगो निमकिया कम थी कि महुआ, अगर वो सीधे थाने चली जाती ना तभी पूरा खेल अपने पाला में होता। अरे बस कीजिए महाराज, अरे इसको मारने से कुछ हो जाएगा का? अरे यार आपका जो प्लान था ना यह सबसे बकवास था। अरे महाराज अगर वो औरत चली जाती पुलिस स्टेशन तो पुलिस अंधराया है का? अरे बचपन का आइस वाइस खेलना बंद कीजिए और कुछ बड़ा कीजिए बड़ा। इस छोटा छोटा चाल से कुछ नहीं होने वाला है। ए कुंदन बाबू, अरे चाल तो हमरे जेब में रहता है, जेब में। अरे अरे महाराज चाल बताइएगा चाल। देख रहे हैं हमरे हाथ में का है? दवाई। ये कहाँ मिलता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, माने अपने स्वास्थ्य केंद्र में। ए महाराज मुद्दा के बात कीजिए ना तो हम चले अब यहाँ से। अरे रुकिए ना महाराज, अरे आपको मालूम है ना वहाँ दवाई क्या सप्लाई करता है? अरे तेतर सिंह का फर्जी कंपनी, हमको नहीं मालूम है? अरे हमको भी तो कमीशन मिलवे ना करता था। ता माने? अरे जरा सोचिए, अगर दवाई में गड़बड़ी हो गया तो जनता में कितना हंगामा होगा। लेकिन ये होगा कैसे? वो सब हम पर छोड़ दीजिए आप बस। हे नहर बाबू, अगर ये गलत दवा स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा और दो चार को भारी बीमार पड़ गया तो जांच होगा, और जब जांच हो जाएगा तो तितरवा फंस जाएगा, और गलती से एक आदमी को मर मर आ गया तो तितरवा जाएगा जेल और टिकट हो जाएगा आवरा। यही करते हैं महाराज। एकदम सही। लीजिए लीजिए खाइए। अरे खाइए महाराज, इलायची है, मुंह से खुशबू आएगा। लीजिए। और ये काम आगे करते हैं। बाबूजी बाबूजी हट वहां से, हट। क्या है? मदर इन लॉ छेड़ने के लिए नहीं झांक रहे थे, हमको बहुत जरूरी काम है। का ऐसा काम आ गया है? हाँ चलो जाओ अपने कमरा में। मदर इन लॉ को बीडीओ बाबू कहीं आ जाना है, बहुत जरूरी काम है। पैर में घिरनी उन्नी बंधा के पैदा हुई हो का?
हाँ? घड़ी में ही हाँ, घड़ी में हूँ हाँ, कहीं जाना नहीं है, चुपचाप बैठो कमरे में। अरे आप तो सुनी है ना, अलीना का तबीयत खराब है, उसको हमारा जरूरत है, हमको हमको जाना होगा। बाबू जी भी दिखाई नहीं दे रहे, वो हमको वहाँ ड्रॉप कर देंगे ना। बाबू ड्राइवर है का तुम्हारा? अपने बाप को बुला लो, पैदाइशी ड्राइवर है। चाचा वो टेंट हट गया है, बांस रस्सी भिजवा दी है, अब बिल का जितना भी पेमेंट था ना बाबू सिंह से करवा दिए, सब पेमेंट क्लियर हो गया है। अरे बहुत बढ़िया बात है यार, पर क्या है ना, दामाद से पैसा लेना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पापा आप कहीं के राजा महाराजा है का, काहे नहीं लीजिएगा पैसा? वो लोग आपके घर में मेहमान बन के थोड़े आए थे, वो तो गाँव में प्रचार करने आए थे अपने बाप का। तुमने तुम बहुत अच्छा किए जो पैसा ले लिए। वैसे आज तुम कहाँ उस करहटिया वाली को पकड़ी हो है? वरना बहुत गजब हो जाता आज। एकदम सही। अच्छा तुमको पता कैसे चला कि उसका चेहरा पर प्लास्टिक था? गजब है, अगर हम गिरे नहीं होते ना तो हम ही पकड़ लिए होते। हाँ टन्ने भैया, आपको तो बात अलग है। राम बच्चन, ए राम बच्चन, अब जिंदगी में हम कभी तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम्हारी बेटी हमारे साथ इतना बड़का मजाक कर दी और तुम उसको कुछ हो नहीं बोले। ऐसा मेकअप की थी ना कि चुड़ैल बना के छोड़ दिए हमको। अरे भाभी कहा है ना कि इतना रगड़ रगड़ के साफ किए तो वो इंकार का रंग अभी छुट में नहीं है, लगा हुआ है। देखो अच्छा और नजदीक से देखो, आओ 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 देखो हाँ। देखो नजदीक आओ आओ देखो देखो यहाँ लगा हुआ है देखो। अरे ये देखो ना राम साहब, जब फिल्म में भी ऐसा सीन चलता है तो दूगो फूल टकरा जाता है, लेकिन आप लोग, अरे आप लोग तो डायरेक्टर शुरू होगा। ये देखो पापा हाँ। चाची पापा का दूर का नजर अभी भी ठीक है। कुछ कहो, जो भी कहो, निमकिया ना बहुत बढ़िया काम की। अरे निमकी कमाल है, और उसको ससुराल वाला लोग का भी का बात है टुन्ने, तुम्हारा तो सूर्य एकदम बदल गया। आज तुम दीदी के ससुराल वालों के खिलाफ कुछ उल्टा नहीं बोलोगे का? हम ना हम मान गए, ये निमकी ना निमकी है ना, देखो ना कितना बढ़िया से अपना ससुराल वाला लोग को हैंडल कर रही है। निमकी ना आज के जमाने की लड़की, आज के जमाने की लड़की ससुराल में रहकर अपना घर वाला लोग का देखभाल कर रही है, मतलब दादी का देखभाल कर रही है। और जब कभी उसको मौका मिल रहा है तो घर से बाहर निकलकर मुखिया का ड्यूटी पूरा कर देती है ना। अरे मुखिया का बात छोड़ो चुनने, अरे वो तो अपने ससुर जी का जो है इलेक्शन चुनाव प्रचार भी कर रही है। शुरू से वो ऐसी लड़की थी, घर में बैठने वाली नहीं है वो, बहुत बड़का नेता बनेगी वो। करे बंद काहे कर रही है? मालकिन वो तो नहीं है ना। अरे कहाँ चली गई, फिर से नहाने चली गई का? नहीं भाभी, वो तो बाहर गई है। बाहर? बाहर कहाँ? बाहर मतलब गाड़ी से पीछे से देखे हम। कहाँ मतलब ऐसे कैसे गाड़ी में? ले मैया सासू जी, कहीं देवर जी के साथ तो नहीं चली गई? चुपचाप गाड़ी चलाओ, जो कपार फोड़ देंगे तुम्हारा, तुम जानते नहीं हो हमको अभी तक ठीक से। चला तो रहे ना हम, कपार पर से डंडा तो हटाओ। डंडा रखेंगे तभी ना फास्ट चलाओगे, स्लो चलाओगे ना तो मारेंगे एक चीज के। बाबू भैया का
फोन आ रहा है। फोन उठाने का कोई जरूरत नहीं है, समझा? गाड़ी चलाओ, चलो। हमको भी नहीं मालूम अम्मा कब चली गई हूँ। ये झरिया लेकर गया होगा, अब फोन कर रहे उठा भी नहीं रहा है। झरिया का हिम्मत हुआ कैसे उसको ले जाने का? अरे झरिया का छोड़िए ना सासू जी, वो नीमकिया का सोचिए, उसका इतना हिम्मत कैसे हो गया कि आपके मना करने पर भी चली गई। अम्मा तू मना की उसको? हाँ मना की, साफ़ है बोले थे उसको कि चुपचाप अपने कमरा में बैठ, बाकी नहीं चली गई। पावर कम हो रहा है आपका, मतलब हम बोले थे ना कि वो नीमकिया बीन बजा रहे और हम सब नाच रहे हैं। भाभी मुंह बंद नहीं रखेगा अपना, मतलब सासू जी को तो बता के जा ही सकती थी। अलीना से मिलने गई होगी अम्मा, वो वीडियो की बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, और चली गई तो चली गई, कौन सा तुम्हारा असली बहू है? असली नहीं वो नकली भी हमारी बहू नहीं है। बात यह है कि हमरे मना करने के बाद वो गई कैसे? अम्मा, अरे अम्मा शांत हो जाना अम्मा, अरे वापस तो हिया ना आएगी, और हम तो कहते बल्कि बहुत ही अच्छा है वो घर पर नहीं है, जितना देर बाहर रहती है ना शांति रहता है घर पे, नहीं तो चपड़ चपड़ सुन के हमारा तो दिमागवा खराब हो जाता। पता गलत बोल रहे हैं क्या हम? अभी होती तो दिमाग खराब कर देती सबका। हम तो कह रहे हैं वो जाना चाहती है ना जब कहीं पे भी तो जाने दिया कर। बात शांति का नहीं, बात हमरे मान का है। लंबी लंबी सांस लो बिटिया, जीभ बाहर करो। दिन भर में 6-7 बार उल्टी हो गया है डॉक्टर साहब। अखिलेश बाबू कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, हम हेलिना को पटना। ना ना थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखिए हम लोग पर भी। अरे आप पर तो कॉन्फिडेंस है डॉक्टर साहब, अपने नसीब पर ही नहीं। का वीडियो बाबू, आप भी ऐसी निराशा वाली बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? का बिटिया सिखाती नहीं हो पापा को? हैं सर दवाई का नया कंसाइनमेंट आ गया है। ठीक से गाड़ी से उतरवा कर स्टोर रूम में रखवा दीजिएगा, और एक एक बोतल चेक कर लीजिएगा। पिछला बार 18 बोतल टूटा रखकर चला गया था वो, और एक एक दवाई मिला लीजिएगा चलान से। जी सर। तो एक दिन के लिए वीडियो बाबू एडमिट कर लेते हैं। कहा अस्पताल में ऐसा कहा हुआ है हमारी बच्ची को? 24 घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, जरूरी है। अखिलेश बाबू आप जो अच्छा हो कीजिए, बस हमारी हेलिना जल्दी से ठीक हो जानी चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगी। आप जाकर फार्म भर दीजिए, हम चेकअप कर लेते हैं। मासी आप यहीं एलिना के पास बैठिए, हम आते हैं फॉर्म भर के। रुकिए चाहिए। देखिए सब दवाई संभाल के रखिएगा, एको बोतल फूटा ना तो कट जाएगा पैसा, कह दे रहे हैं। भागने का कोशिश किए ना तो कपाट फोड़ देंगे। जा भी नहीं रहेगा तो जाएंगे कैसे हम? ये क्या ना समझदारी वाला बात। अरे यहाँ तो धारा लगा है, कहीं कहीं अलीना का तबीयत सच में वो लोग गए कहाँ होंगे? अरे अभी मैंने बाबू का फोन भी नहीं लग रहा है।